ओम शांति। संगम युग पर भाग्यवान आत्माओं को प्रभु मिलन हुआ है, और जो इस अनमोल समय को यूं ही गंवा देते हैं उनको तो कोई भी बुद्धिमान नहीं कहेगा। विचार कर लें, भगवान भाग्य बांटने आया है, वो हमें अपने सर्व खजाने देने आया है, शक्तियों से भरपूर करने आया है। जो जो हमने भक्ति मार्ग में मांगा था वो सभी कुछ देने आ गया है, क्योंकि उसे पता है हमने क्या मांगा था। तो बुद्धिमानी और समझदारी इसी में है कि हम स्वयं को चारों ओर से समेट कर, व्यर्थ से मुक्त करके, बाबा की याद में मग्न होकर उससे सर्वस्व प्राप्त कर लें। व्यर्थ में तो कोई आनंद नहीं है, व्यर्थ तो मनुष्य को भटका देता है, उसके मन को विचलित कर देता है। इस संसार में समस्याएं तो पहले ही बहुत हैं, मनुष्य का मन तो पहले ही बहुत परेशान रहता है। अब भी भगवान को पाकर भी यदि हम साक्षी न हुए, यदि हमने दूसरों की चिंताएं करना न छोड़ा, तो भला हमारा कल्याण कैसे होगा। बहुत अच्छी तरह इस गुह्य रहस्य को जान लें यदि हम स्वयं की चिंता करेंगे, अर्थात अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने की चिंता करेंगे, अर्थात जो कुछ बाबा ने हमें कहा है उसे संपूर्ण रूप से करने की चिंता करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे, तो हमारी सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी और आपके परिवार की, कामधंधों की चिंता स्वयं भगवान को होगी। लेकिन जब आप उनकी चिंता में लगे रहते हैं तो बाबा सोचता है फिर इन्हें लगे रहने दो, मैं इनकी चिंता क्यों करूं, उसका ध्यान किसी और की ओर चला जाता है। तो आइए हम सभी बाबा की याद में मग्न होकर इस संगम युग के अनमोल काल को आनंदों में व्यतीत करें। कितना बड़ा भाग्य है हमारा, सम्मुख भगवान बैठकर हमें पढ़ाते हैं, वो हमें घर ले जाने के लिए आ गए हैं। कितनी बड़ी चीज है, रोज सवेरे हमसे मिलन करने आ जाते हैं, हमें जगाने आ जाते हैं, हमें बहुत सुख देने, हमारे दुखों को हरने, हमारे दुखों के आंसू पोंछने के लिए आ जाते हैं। फील करें उनके इस परम पवित्र प्यार को जो वो हमें दे रहे हैं। तो अपने को चेक कर लें, ऐसे सुंदर समय पर हम कहीं भटक तो नहीं गए हैं, हम कहीं अटक तो नहीं गए हैं, या कहीं लटक तो नहीं गए हैं। इन सब से हमें मुक्त होना है। देहधारियों से प्यार तो हम जन्म जन्म करते आए हैं, अब यदि देहधारियों से प्यार करते रहेंगे तो वास्तव में रहस्य तो यही है, द्वापर युग के बाद किसी भी जन्म में हमें सच्चा प्यार देहधारियों से प्राप्त नहीं होगा। और जो इस समय स्वयं को प्रभु प्रेम में मग्न कर देंगे, उन्हें जन्म जन्म देहधारियों का भी निस्वार्थ प्यार मिलता रहेगा। इसलिए समय के महत्व को समझते हुए अपने संपूर्ण प्यार को एक में डाइवर्ट कर दें। जितना प्यार हम देहधारियों से करते हैं उतना प्यार यदि परमपिता से करें तो कमाल हो जाए। तो आइए हम चेक करें हम कहाँ चले गए हैं, हमारा इनर वर्ल्ड कैसा है, हमारे मन में क्या क्या चलता है, हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, हमारे एटीट्यूड्स कैसे हैं, उसको शुद्ध करें, पॉजिटिव करें, प्रेम से भरपूर करें, तो ये जीवन की यात्रा बहुत ही सुखद हो जाएगी। अपने से बात करें, हम जो बुद्धिमान हैं, हम यदि जीवन का सुख प्राप्त नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा। जिनको भगवान साथ दे रहा है वही यदि सुखी नहीं होंगे तो भला कौन होगा। तो आइए आज हम सभी सारा दिन इस स्वमान का अभ्यास करेंगे, मैं जहान का नूर हूँ, सृष्टि का आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हूँ,
हमारे एक एक संकल्प का प्रभाव समस्त संसार में फैलता है, हमारी स्थिति का प्रभाव समस्त संसार तक जाता है। हम आधार मूर्त हैं और योग की बहुत अच्छी ड्रिल करेंगे। मैं आत्मा इस देह से निकलकर चली परम धाम, बाबा को टच किया, उसे शक्तियां भरी और वापिस इस देह में आ गई वाइब्रेशंस चार ओर फैलाने के लिए। ये ड्रिल बार बार करते रहेंगे। ओम शांति।